बख्शिशों और मगफिरत की रात शब बरात नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाती है और इसकी फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, 15वीं रात शाबान की जो है वो बाबरकत रात है, इस रात लोग इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, अपनी बख्शिश की दुआ मांगते हैं, अस्तगफार करते हैं, इसी रात में बहुत कुछ है। उसके हवाले से फरमाइए कि जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या क्या हुक्म है, क्या क्या करें, कैसे अपने बारे में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगें कि उनकी मगफरत भी हो जाए और फिर उनकी उम्र की दराजी भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व असहाबी अजमाईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के तमाम जो मेज़बान हैं और इसके मुंतज़मीन उनका शुक्रगुज़ार हूं कि इस अहम मौका पर मुझे इस अहम मौजू पर इज़ारे ख्याल का मौका दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। शाबान की 15वीं रात, जिसको उर्फ़े आम में शब बरात कहा जाता है, यानी छुटकारे वाली रात, हदीस शरीफ की किताबों के अंदर इसका पूरा बाबु मा जा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, और इसके बारे में सरवरे कौनैन हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दद फरामीन मौजूद हैं और उन्हीं के अंदर वो सारे पहलू मौजूद हैं जिनके लिहाज से अभी हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने इशारा किया। सबसे पहले तो ये है कि इसको जो शबे बरात कहा जाता है, छुटकारे की रात, तो इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। आप इरशाद फरमाते हैं कि ये रात जो ही आती है, मसलन आज ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ये रात शुरू होगी, फरमाया ग़ुरूब आफ्ताब के फौरन बाद रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है और इसके बाद खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से मुख्तलिफ एलानात होते हैं इंसानों के लिए। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गोल्डन चांस है और हम इंसानों के लिए ये कितना सुनहरी मौका है। आज मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस में लोग मुब्तला हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइब हैं, मसाइल हैं, किसी को रिज़्क की कमी का सामना है, किसी को बीमारियों और मुश्किलात ने घेरा हुआ है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये एलानात सारी रात होते हैं यहाँ तक कि फजर हो जाए। उन एलानात में से एक ऐलान ये है, हल मिन मुस्तगफिर फअग़फिरा लहू, है कोई ऐसा जो कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता हो तो मैं उसको माफ़ कर दूँ। अब जिसने बख्शना है वो खुद उसकी तरफ से ये उसकी रहमत ये कह रही है कि आओ मैं तुझे बख्शूँ, है कोई ऐसा कि जो बख्शिश चाहे तो मैं उसको बख्श दूँ। और साथ ही ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तरज़िक फअर्ज़ुका हू, है कोई ऐसा जिसे रिज्क की तलाश हो और मैं उसको रिज्क दे दूं। हल मिम मुबतलन फआफियहू, है कोई ऐसा जो कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइब में, मसाइल में, उलझनों में फंसा हुआ हो, वो चाहे तो मैं उसको आफियत अता कर दूं। हल मिन कज़ा कज़ा, यानी ये वगैरह वगैरह के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये वजाहत फरमा दी, क्योंकि एक दो किस्म के ही ऐलानात नहीं हैं बल्कि मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी इंसानी हाजात हैं, जितने भी इंसान के काम हैं और जो भी इंसान की मुश्किलात हैं उसके लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से
ये सारी रात ऐलान होता रहता। अब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे एहसान है, अगर ये रात आती ऐलान होते रहते और हमें पता ना चलता और ज़िंदगी बसर हो जाती और क़यामत के दिन जाके पता चलता कि एक रात तो ऐसी भी थी और फिर ये ऐलानात हो रहे थे, तो कितना हमें इस पर अफसोस होता। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी मेहरबानी है कि आपने एक तो इस रात की तायीन फरमा दी और दूसरा इस रात का जो मुकम्मल वक़्त है उसके बारे में वजाहत फरमा दी कि ये एक एक लम्हा इसका कितना कीमती है, और तीसरे नंबर पर जो ऐलानात होते हैं कि इंसान को इस रात में क्या कुछ मिल सकता है और उसके कौन कौन से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के अंदर आपने तफसीलन बयान कर दिया। इसमें हमारे लिए जो बरात और छुटकारे के लिहाज से पैगाम है कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फयगफिरु लि अक्सरा मिन शारे गनम कल्ब, के रब्बे जुल जलाल इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। बनी कल्ब की बकरियां भी ज़्यादा थीं और फिर वो ज़्यादा बालों वाली बकरियां थीं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सालाना हर साल जब ये रात आती है तो नए लोग इतने जहन्नम से बरी किए जाते हैं। तो इस बुनियाद पर भी हर बंदे को इसकी आमद से पहले ही ये तमाम होना चाहिए और ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह उस लिस्ट में हमें भी शामिल करे कि जिनको आज की रात जहन्नम से बरी किया जाएगा। बिल्कुल, इस सिलसिला में जो लाह अमल है उस लाह अमल में ये है कि बरात के लिए ये ज़रूरी है कि पहले इंसान के एहसास में ये चीज़ हो कि उससे कौन कौन सी गलतियाँ सरजद हुई हैं और कहाँ कहाँ उससे तजावुज़ हुआ है। जिस वक़्त एक इंसान अपने माजी को सामने रख कर अपना मुहासबा करता है उसके बाद उसमें तौबा का शौक़ पैदा होता है और वो तौबा फिर बड़ी मुअसर होती है।